तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ भाई मुंबई इंडियंस एंड राजस्थान रॉयल्स के बीच में जो आईपीएल का जो 38वां मैच खेला जाएगा उसके बारे में कुछ गेम क्रिज प्रेडिक्शन पिच बोर्ड सब कुछ मैं आप लोगों को बता कर दूंगा। तो भाई हम लोग का कल का मैच कैसा गया भाई? दोनों मैच हम लोग क्लीन स्वीप किए भाई। आप लोग जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख लो भाई, टीम स्काई वॉल पर वहाँ पर सब प्रूफ रखा हुआ भाई। हम लोग भाई क्या हम लोग देखो रात का जो मैच 7:30 बजे जो मैच है जीटी एंड पंजाब वाला जो मैच हुआ था वहां पर देखिए भाई, हम लोग साई किशोर को टीम में रखा था। साई किशोर 4 विकेट लेके गया भाई, 4 विकेट लेके गया भाई। नूर अहमद को मैंने रखा था, नूर अहमद 2 विकेट लेके गया। हाँ भाई देखो, मैंने दोपहर वाला मैच पे नारायण ना हर जगह में कप्तान नहीं रखा था, मैंने श्रेयस अय्यर के ऊपर डिपेंड किया था ज्यादा। रघुवंशी को टीम से ड्रॉप किया, सिर्फ एक टीम में रखा था, ज्यादा नहीं एक ही टीम में रखा था भाई। विल जैक के ऊपर ज्यादा भरोसा किया था, विल जैक बॉलिंग शायद बॉलिंग नहीं डाला पर विल जैक रन बना के गया। मैंने रजत पाटीदार को मैं अपना टीम में रखता नहीं हूँ भाई, मैंने बोल दिया था आप लोग अपने टीम में रख सकते हो, मैं अपनी टीम में नहीं रखता हूँ भाई रजत पाटीदार को। ठीक है, वो भाई 20 मैच खेलेगा 2 मैच पे चलेगा भाई, वो ऐसा प्लेयर है, वो मैं टीम में नहीं रखता उसको। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग का टीम था भाई। और भाई क्या मैच हुआ, क्या मैच हुआ राजस्थान, क्या मैच हुआ भाई आपका कलकत्ता आरसीबी का भाई, बहुत बढ़िया मैच हुआ भाई। फ्लिप शॉट का वो शॉट भाई, बढ़िया शॉट लॉकी फर्गुसन का, लॉकी फर्गुसन इतना धोया इतना धोया। ठीक है भाई, तो आज का बात हम आज का मैच की बात करते हैं भाई। तो आज का मैच पे भाई देखिए हम लोग मैच कहाँ खेला जाएगा भाई, मैच खेला जाएगा सहाय मानसिंह स्टेडियम पे मैच खेला जाएगा। इनका पिच कैसा होता है भाई, पिच पे सहाय मानसिंह स्टेडियम जयपुर में मैच खेला जाएगा। फिर पिच क्या होता है, पिच पे भाई बहुत ज्यादा भाई आपका बैट्समैन एंड बीच के ओवर में बॉलर स्पिनरों को भी भाई हेल्प मिलता है भाई फास्ट बॉलर। तो यहाँ पर देखो भाई बहुत ज्यादा रन नहीं बनता, ठीक ठाक रन बनता है, 170 के ऊपर 180 के प्लस ऊपर रन बन जाता है भाई यहाँ पर। ठीक है, पिच यहाँ पर ठीक ठाक होता है, फास्ट बॉलर स्पिनर दोनों को समान तरीके से भाई आपका हेल्प भी मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आज का प्रेडिक्शन के ऊपर, कौन कौन हम लोग टीम के प्रेडिक्शन में रहेगा। ठीक है भाई, तो भाई हम लोग देखे हैं तो भाई विकेट कीपर से मतलब भाई तीनों विकेट कीपर बेस्ट एंड बेस्ट, तीनों को आप स्मॉल लीग हो ग्रैंड लीग हो छोड़ नहीं सकते। अगर आप लोग रिक्स लेते हो, अगर आप लोग रिक्स लेते हो तो बटलर के साथ आप लोग रिक्स ले सकते हैं, क्योंकि बटलर कीपिंग नहीं करेगा अभी। ठीक है, बटलर कीपिंग से आप लोग को पॉइंट नहीं देगा। ठीक है, आप लोग बटलर के साथ रिक्स ले सकते हो भाई। मेरा इतना तबीयत खराब है, गला में फिर जोर जोर से मैं बोलता हूँ भाई। ठीक है, तो रिक्स ले लो बटलर के ऊपर, नहीं तो छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। बटलर, ईशान किशन और संजू सैमसन तीनों को टीम में रखिए, स्मॉल लीग हो ग्रैंड लीग हो तीनों को रखिए। ठीक है, एंड हम लोग जा देंगे बैटिंग सेक्शन। बैटिंग सेक्शन भाई रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, एंड तिलक वर्मा है, जसपाल है, टीम डेविड है आपका, रावण पवाल है, सिमरन हिटमायर है, ध्रुव जुएल है। तो हम लोग किसको किसको रखेंगे, तो भाई कीपिंग सेक्शन से हम लोग तीनों को रख लिए, सैमसंग बटलर एंड ईशान किशन, सैमसंग बटलर ईशान किशन हम लोग तीनों को रख लिए। तो बैटिंग सेक्शन से हम लोग रखेंगे सूर्य कुमार यादव को एंड रोहित शर्मा को, स्मॉल लीग टीम में बता रहा हूँ भाई, स्मॉल लीग टीम में भाई तीनों कीपर रख लिए एंड सूर्य कुमार यादव एंड ईशान रोहित शर्मा को रख लिया मैंने। ठीक है, एंड जसपाल, जसपाल को मैंने फिर भी जगह दे दिया भाई, तो बढ़िया फॉर्म नहीं है फिर भी मैंने रखा। ठीक है, फिर रियान पराग हम लोग टीम में रहेगा, उसको उसके बारे में भाई क्या बोले भाई, इतना बढ़िया फॉर्म में, आसाम टीम का कप्तान भी है। तो भाई उसको जब रियान पराग का मैं जब देखता ना भाई, उसको इस डांस याद आ जाता भाई, रियान पराग का ये वाला डांस। ठीक है भाई, बहुत ही बंदा का बंदा भी बहुत बढ़िया फॉर्म लेके आया है, तो बहुत बढ़िया खेल रहा है। उसके साथ साथ भाई हार्दिक पांड्या को हम लोग टीम में रखेंगे, क्योंकि भाई बॉलिंग भी डाल रहा है, बॉलिंग विकेट भी लेके देख सकता है भाई हम लोग को। ठीक है, तो हार्दिक पांड्या का रखना टीम में जरूरी है, तो रियान पराग हार्दिक पांड्या हम लोग को टीम में भी जगह मिल गया। एंड भाई बॉलिंग सीजन से भाई हम लोग बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, चहल एंड कोचिन, बस तो 4 बॉलर हो गया आपका।
दो ऑलराउंडर हो गया आपका, चार आठ दो कितना हुआ, छह हो गया, तीन बैट्समैन हो गया, तो छ सात आठ कर दो, छ बोलिए हिसाब बोलिए, तो चार बॉलर तीन बैट्समैन तो हो गया का पांच छ सात, दो ऑलराउंडर, आठ नौ दस ग्यारह बारह हो जाएगा अगर तीनों करेंगे तो। जसवाल को टीम से ड्रॉप कीजिए, स्मॉल लीग टीम से जसवाल को ड्रॉप कीजिए, बटलर को रखिए, ठीक है भाई। अभी के लिए तो मैं बटलर जसवाल को बोल रहा हूँ ड्रॉप करने के लिए, पर आप लोग चाहे तो जसवाल को रख सकते हैं। मैं अपनी टीम से ड्रॉप करूंगा, मैं अपनी टीम में जसवाल को नहीं रखूंगा भाई, ठीक है। आप लोग रख सकते हैं, अगर फिर भी मुझे ठीक लगा जहाँ जसवाल को लेना है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे बता दूंगा जसवाल को लेना है क्या नहीं लेना है, ठीक है। तो मैंने स्मॉल लीग का टीम आप लोगों को बताया, तो ग्रैंड लीग का टीम बनाइए। ग्रैंड लीग की टीम में देखिए भाई, आप लोग बटलर को ड्रॉप कीजिए पहले, सैमसंग और ईशान किशन को दोनों को रखिए, रिक्स लीजिए भाई, रिक्स नहीं लीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। बटलर को रखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जो एकदम ड्रॉप कीजिए, दो तीन टीम में ड्रॉप कर दीजिए भाई, कुछ टीम में रखिए, ठीक है। अगर चल गया तो चल भी सकता है, बटलर है ना भाई, वन मैन आर्मी अकेले जीता दिया तो उस दिन मैच, तो मैं दो तीन टीम में तो रखूंगा, ज्यादातर टीम में ड्रॉप करूंगा, ग्रैंड लीग में ड्रॉप करूंगा, स्मॉल लीग टीम में इसको भूल कर भी मैं ड्रॉप नहीं करूंगा भाई, भूल करके भी मैं ड्रॉप नहीं करूंगा स्मॉल लीग टीम में, ग्रैंड लीग में बटलर को ड्रॉप करूंगा, दो तीन टीम में जरूर ड्रॉप करूंगा, ठीक है। तो सैमसंग एंड ईशान किशन को ले लिया मैंने, सूर्य कुमार यादव एंड रोहित शर्मा को भी मैं ड्रॉप कर सकता हूँ भाई, ठीक है। सिर्फ सूर्य कुमार यादव रहेगा, टीम डेविड रहेगा भाई, ठीक है, टीम डेविड रहेगा, तिलक वर्मा रहेगा, चाहे तो आप लोग रावण पवाल को भी रख सकते हैं भाई, ठीक है। एंड ऑलराउंडर सेक्शन से भाई रोमारियो सेपर्ट, रियान पराग, हार्दिक पांड्या तीनों को आप लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड भाई बॉलिंग से बुमराह, ट्रेंट बोल्ट तो रहेगा आप लोग टीम में, उसके साथ चहल कोर्चे, चाहे तो आप लोग बोल्ट को ड्रॉप करके कुलदीप सेन के साथ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आवेश खान, इस बंदा के ऊपर मुझे अभी भरोसा कुछ नहीं है, मैं बता दूंगा टेलीग्राम पे भरोसा रहेगा का नहीं, विकेट लेगा का नहीं, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे बताऊंगा। तो भाई ठीक है, तो हम लोग अभी के लिए चलते हैं ड्रीम इलेवन पर। ड्रीम इलेवन पर जाते हुए मैं आप लोगों को एक की मैचेस में बताऊंगा कौन प्लेयर किस प्लेयर को कब आउट किया, किस तरह से आउट किया, ठीक है, कितना बॉल डाला, कितना रन किया वो बंदा, कितना बार आउट किया, मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा टीम बनाते हुए भाई, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं ड्रीम इलेवन पर, तो उससे पहले भाई मैं चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलो दोस्तों, और भाई एक एक लाइक जरूर कीजिएगा, एक एक लाइक से भाई हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं ड्रीम इलेवन पर, ड्रीम जाके हम लोग टीम बनाते, पर आप लोग को मेरा फाइनल टीम मिलेगा कहाँ पर, टीम स्काई वॉल पर, टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो फटाफट टीम स्काई वॉल ज्वाइन, टेलीग्राम पे जाओ, टीम स्काई वॉल ज्वाइन करो और टीम लो, कोई चार्जेबल नहीं है, सब फ्री है, ठीक है, जाओ फटाफट ज्वाइन करो, ठीक है, चलता हूँ ड्रीम इलेवन। तो हे गाइस, देखो हम लोग आ गए ड्रीम इलेवन सेक्शन में, ड्रीम इलेवन सेक्शन में देखो, तो ड्रीम इलेवन सेक्शन में मैं आज आप लोगों को बहुत की मैचेस बताऊंगा जो बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले तो मैं आप लोगों के लिए बात करूंगा भाई रोहित शर्मा को लेके, ठीक है। मैं आ गया रोहित शर्मा को, यहाँ से ले लिया, पिक कर लिया, यहाँ से लेंगा किसको, ट्रेंट बोल्ट को लूँगा, एंड आपका संदीप शर्मा खेलेगा, संदीप शर्मा को लूँगा, एंड भाई आवेश खान को लूँगा, रविचंद्रन अश्विन को लूँगा, ईशान किशन और चहल, ईशान किशन एंड चहल, ठीक है। तो भाई ये पहले ही मैचेस देख लो, देखो ट्रेंट बोल्ट ने रोहित शर्मा को, ट्रेंट बोल्ट रोहित शर्मा को पांच बार आउट किया, ठीक है, सिर्फ 52 बॉल 69 रन्स। तो रोहित शर्मा को बहुत बार आउट कर चुका है ट्रेंट बोल्ट, ठीक है। एंड भाई संदीप शर्मा रोहित शर्मा को पांच बार आउट कर चुका है, एंड आपका 44 बॉल्स एंड
38 रन। तो संदीप शर्मा के साथ संदीप शर्मा रोहित शर्मा को कम रन दे के ज़्यादा बार आउट कर दिया है। ठीक है, संदीप शर्मा ट्रेंड बोल्ड, अगर संदीप शर्मा खेलेगा तो ट्रेंड बोल्ड के साथ साथ संदीप शर्मा भी रोहित शर्मा के लिए खतरा होगा आज। ठीक है, आवेश खान रोहित शर्मा को दो बार आउट किया, 13 बॉल 11 रन। बोलो तो इस टीम में, राजस्थान की टीम में रोहित शर्मा को सभी आउट कर दिया, ट्रेंड बोल्ड आउट किया है, आवेश खान आउट किया है, संदीप शर्मा आउट किया है, फिर आपका रविचंद्रन अश्विन भी रोहित शर्मा को 3 बार आउट किया, 120 बॉल एंड 110 रन। भले ही रोहित शर्मा आपका अश्विन के सामने बहुत रन बना चुका है। ठीक है, एंड जाते हैं हम लोग, फिर अब जाते हैं ट्रेंड बोल्ड के साथ, फिर से ट्रेंड बोल्ड ईशान किशन को 3 बार आउट किया। ठीक है, 3 बार आउट किया, 46 बॉल्स एंड 43 रन्स। तो इस वो ट्रेंड बोल्ड ईशान किशन को भी आउट कर सकता है। ठीक है, उजवेंद्र चहल ईशान किशन को 3 बार आउट किया, 32 बॉल एंड 55 रन्स। तो इस टीम में लगभग सब प्लेयर ने, एक 4-5 बॉलर ने रोहित शर्मा ईशान किशन को बहुत बार आउट कर दिया है। तो आज का समझ रहे ना भाई क्या होगा पिच पे। ठीक है, फिर आते हम लोग संदीप शर्मा ईशान किशन को 2 बार आउट किया है, 30 बॉल एंड 38 रन्स। समझिए, रविचंद्र अश्विन ईशान किशन को 1 बार आउट कर चुका है, 63 बॉल एंड 57 रन। तो अश्विन के सामने ईशान किशन ठीक से बल्लेबाजी कर लेता है भाई। ठीक है, एंड अभी हम लोग जाएंगे सूर्य कुमार यादव के साथ। ठीक है, सूर्य कुमार यादव को चहल ने सूर्य कुमार यादव को 3 बार आउट किया, 71 बॉल एंड 83 रन्स। तो सूर्या ऐसे 3 बार जैसे चहल के सामने आउट भी हुआ तो 83 रन्स भी बनाए 71 बॉल में। ठीक है, एंड ट्रेंड बोल्ड सूर्य कुमार यादव को 2 बार आउट किया, 21 बॉल एंड 28 रन। तो ट्रेंड बोल्ड आज बहुत बैट्समैन के लिए खतरा है भाई। ठीक है, फिर आवेश खान सूर्य कुमार यादव को 1 बार आउट किया है, 8 बॉल एंड 2 रन्स। बोलो आवेश खान के सामने ये हालत है सूर्य कुमार यादव का। ठीक है, उजवेंद्र चहल हार्दिक पांड्या को, अब जाता है हम लोग हार्दिक पांड्या के साथ। ठीक है, चहल हार्दिक पांड्या को 4 बार आउट किया आपका, एंड 69 बॉल एंड 63 रन्स। बोलो, ये था चहल के सामने हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड। ठीक है, तो भाई देखो आज का मैच पे राजस्थान का बॉलर मुंबई के ऊपर पूरा हावी रहेगा मुझे लग रहा है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग बुमराह के साथ। ठीक है, अभी कुछ प्लेयर को मैं अभी संदीप शर्मा को यहाँ से ड्रॉप करके ले रहा हूँ। ठीक है, बुमराह एंड सैमसंग। ठीक है, देखो बुमराह ने सैमसंग को 2 बार आउट किया, 54 बॉल्स एंड 53 रन्स। ठीक है, बुमराह सैमसंग को। ठीक है, फिर
बटलर के साथ जाते हैं, बुमराह बटलर को ठीक है 4 बार आउट कर चुका है एंड 75 बॉल्स एंड 65 रन्स। तो देखो भाई बुमराह भी हावी है बटलर के ऊपर एंड सैमसंग के ऊपर ठीक है। फिर हार्दिक पांड्या सैमसंग को 2 बार आउट कर चुका है 34 बॉल्स एंड 60 रन्स। तो उतना ज़्यादा हावी नहीं हुआ हार्दिक पांड्या सैमसंग के ऊपर ठीक है। एंड बुमराह हिटमायर के ऊपर, मैं लिख नहीं रहा हूँ बोल दे रहा हूँ सुन लीजिए, बुमराह हिटमायर को 4 बार आउट कर चुका है 20 बॉल दे के 15 रन ठीक है। मोहम्मद नबी सेमिलर हिटमायर को 2 बार आउट कर चुका 18 बॉल में 44 रन ठीक है। तो ये था कुछ की मैचेस मैंने आप लोगों को बताया ठीक है। तो अब हम लोग जाते हैं प्लेयर प्रेडिक्शन के ऊपर, किसको किसको हम लोग टीम में रखेंगे। भाई देखो मैं 2 टीम बना के दे रहा हूँ, भाई देखो दो टीम बना के दे के जा रहा हूँ। एक टीम में मैं सिर्फ आप लोगों को सैमसंग को लेके दूंगा एंड बटलर को। ईशान की ग्रैंड लीग का टीम देख लो भाई, ग्रैंड लीग का टीम में रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव ठीक है मैं ड्रॉप कर रहा हूँ दोनों को ठीक है, एंड ईशान किशन को भी ड्रॉप कर रहा हूँ। यहाँ से मैं लूंगा तिलक वर्मा जसपाल एंड बस, यहाँ से मैं लूँगा हार्दिक पांड्या रियान पराग रोमारियो सेपट बुमराह ट्रेंड बोल युजवेंद्र चहल, आप चाहे तो मैं आवेश खान के जगह मैं अभी कॉर्जे को ले रहा हूँ भाई ठीक है। तो ये था मैंने एक ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन आप लोग को बना कर दिया, पर ये फाइनल ग्रैंड लीग का टीम नहीं है। आप लोग यहाँ से जसपाल को ड्रॉप करके टीम डेविड को भी ले सकते हैं भाई ठीक है। तो यहाँ से मैं कप्तान किसको दूंगा, मैं रिक्स लूंगा भाई बोल्ट के साथ एंड बुमराह के साथ ठीक है। मैं रिक्स की ले बता रहा हूँ, इसके रिक्स की कप्तान भाई कप्तान है बोल्ट एंड बुमराह ठीक है। मैंने रिक्स लिया पर फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा भाई ठीक है। ये एक जीएल वाला कॉम्बिनेशन है ठीक है, ये एक जीएल कॉम्बिनेशन है भाई, मैंने आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ, ये जीएल कॉम्बिनेशन ठीक है, ये जीएल कॉम्बिनेशन है मेरा, पर फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम टेलीग्राम पे ही मिलेगा। एक स्मॉल टीम कॉम्बिनेशन देख लो, स्मॉल टीम कॉम्बिनेशन में देखो रखना ही पड़ेगा भाई, कुछ भी कर लो भाई, देखो कुछ भी कर लो रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव को रखना पड़ेगा ठीक है। एंड भाई यहाँ से रोमारियो को ड्रॉप करके मैं यहाँ से जसपाल के साथ जा सकता हूँ ठीक है। एंड ईशान किशन को भी मैं लूँगा, बॉलर मैं वही लखूँगा पराग हार्दिक पांड्या के साथ ही मैं जाऊँगा ठीक है। कप्तान वाइस कप्तान मैं चेंज करूँगा, कप्तान मैं दूँगा आपका बटलर को, वाइस कप्तान मैं दूंगा सूर्य कुमार यादव को। तो ये था स्मॉल लीग कॉम्बिनेशन, ये था एशियल कॉम्बिनेशन ठीक है मैंने, पर दोनों ही फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा टीम स्काई वॉल्वर। तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना दोस्तों, थैंक यू।